नमस्कार प्रणाम। आज हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे जिसे इंडिया में आजकल कुछ ज्यादा ही मजाक के तौर पे लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं इंट्रो के बाद। आज का टॉपिक है ट्रांसजेंडर लाइफ इन इंडिया। इंडिया में जिसे छक्का किन्नर भी कहते हैं, इंडिया में इनकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती है। हमें लगता है कि इनकी लाइफ बहुत आसान होगी। वो लोग आते हैं, पैसा मिल जाता है तो आराम से रह रहे होंगे, अच्छा खासा पैसा का कलेक्शन होगा। लेकिन कभी हम लोगों ने इस बारे में बात करने की कोशिश की कि क्यों उन्हें ट्रेन में जाके पैसा कलेक्ट करना पड़ रहा है, क्यों उन्हें दुकान दुकान जाके पैसा मांगना पड़ रहा है। हाँ, हो सकता है बहुत लोग खुशी से भी कर रहे हो ऐसा कि आसान तरीका है पैसा कमाने का, लेकिन सब लोग नहीं। बहुतों के लाइफ के पीछे बहुत चैलेंजेस होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। क्यों उन्हें हमारे जैसी लाइफ नहीं मिलती, क्यों उन्हें हमारे जितना फ्रीडम नहीं मिलता, क्यों सोसाइटी उन्हें गंदी नजर से देखते हैं कि वो किन्नर है, क्यों उनको सारा राइट इक्वली नहीं मिलता हमारे जितना। क्या ये उनकी गलती है कि वो हमारे जैसे नहीं है, पैदा तो वो भी हमारे जैसे हुए थे, तो फिर इतना हेट क्यों उनके लिए हमारे दिल में। मैं आपको एक ऐसे किन्नर का वीडियो दिखाऊंगा जो कि अपना जर्नी के बारे में बताते हैं कि जब उन्हें पता चला उनकी फैमिली को कि वो ट्रांसजेंडर है तो उनको घर से निकाल दे। तो ये सब कंप्लीट मिलाकर जो मैंने अपना बचपना खोया, जो मैंने अपना किशोरावस्था खोया, जो मैं अपनी जवानी खोते गई, ये सब क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं एक हिजड़ा थी, सिर्फ इसलिए कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं जिस्म एक और रूह दूँ, इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं जब 11th स्टैंडर्ड में थी, एक कह सकते हैं वो शायद काली रात थी मेरे लिए, बहुत गंदी रात थी, कि पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिए थे रात के 12:30 बजे, वो भी मार के, लात मार के। घर से जब निकाले, मेरे पास जाने के लिए कोई साधन नहीं था, ना कोई जगह था, ना कोई प्लेस था। मैं बिलासपुर में आज भी प्रचलित थी सिम्स के नाम से हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल के मर्चुरी के जस्ट नीचे में एक जनरल वार्ड आता है, उस वार्ड पे मैं 2.5 महीने रही। एक चौकीदार बैठता था, स्ट्रक्चर था वहाँ पर जिसमें लाश ले जाते थे लोग, उस लाश पे मैं बोरी में बिछा कर मैं सोती थी। वहाँ पर मैंने 2.5-3 महीना ऐसे गुजारा, 10-20 रुपये कलेक्शन करके मांग कर मैंने पेट रोजी पाली अपने, जैसे हुआ जैसा मुझसे बन सका वो सीख किया। एक वक्त आया मुझे किन्नरों ने मिल, किन्नरों से मेरी मुलाकात हुई, मैं उनके साथ आ गई। उनके साथ आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पर मुझे रहना पड़ेगा तो इनके हिसाब से रहना पड़ेगा और मुझे भिक्षा वृत्ति करना पड़ेगा। मैं 11th कंप्लीट करके मैं 12th कंप्लीट करना चाहती थी। मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे पढ़ाई करना ही है, स्टडी कंप्लीट करना है करके। उस स्टडी के जुनून को लेकर मैंने कहा ठीक है आप बताइए मुझे क्या काम करना होगा। उन्होंने दूसरे दिन मुझे ले जाकर ट्रेन पर खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा यहाँ पर तुम्हें कलेक्शन करना चालू कर दो। वहाँ पर फिर मेरा मन रोया कि मैं कर क्या रही हूँ और हो क्यों रहा है मेरे साथ ऐसा। फिर वहीं पर वही क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि मैं एक किन्नर थी, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ करके। मैंने कलेक्शन किया, 2.5-3 साल मैंने मांगा ट्रेनों पे। उन ट्रेनों पे जो मैंने कलेक्शन किया, जो पैसे आए, जो आमदनी मैंने किया, उन आमदनी को जोड़कर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैं कुछ करना है, मैंने प्लस फैशन डिज़ाइनिंग किया साथ में, प्लस प्रोफेशनल मल्टीमीडिया भी साथ में किया। 3 कोर्स मैंने अपने आप से, अपने दम पे, उस ट्रेन के पैसे से कंप्लीट किया। हमारे लिए कितना आसान होता है ना किसी को छक्का बोल देना। कोई टिकटॉक वीडियो बना रहा है तो छक्का, कोई लिपस्टिक लगा रहा है तो छक्का। यार मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको तुम बोल रहे हो, लेकिन यार उन्हें कितना बुरा लगता होगा कि उनका नाम तुम लोग गाली के तौर पे यूज़ कर रहे हो। मैंने खुद भी यूज़ किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी। अंदर से उनको कैसा लगता होगा कि उनका नाम गाली के तौर पे यूज़ हो रहा है। यार ह्यूमैनिटी तो ऐसी भी मर चुकी है, हमें शर्म आनी चाहिए इस सबर को तो बहुत ज़्यादा। इस टॉपिक पे तो कोई वीडियो बनाएगा नहीं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, क्यों? ये ट्रेंडिंग नहीं है, इस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, तो इस पर वीडियो क्यों बनाए? अभी तो उनको चाहिए कॉन्ट्रोवर्सी ताकि उनका चैनल डायरेक्ट ग्रो हो जाए, डायरेक्ट एकदम फेमस रातों रात, जैसे कि कैरी मिनाटी रातों रात 20 मिलियन। इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ, और वीडियो को लाइक कर देना या फिर डिसलाइक कर देना, कमेंट जरूर करना अपना ओपिनियन, एंड पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर जरूर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ बॉलीवुड के नेपोटिज्म के ऊपर, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि बनाऊँ कि नहीं। एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। नाक बन, खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। चार जन जब करेंगे तेरी बुराई, तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तब भाई।